हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़। मैं हूँ दीक्षा और मैं आज आपके लेके आई हूँ 100 क्वेश्चंस फॉर हरियाणा पीएससी 2019 प्रीलिम्स। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे पेड ग्रुप के बारे में बता दूँ। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करेगा उसको हमारे डिटेल पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। उसमें हरियाणा से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके हैं, एंड साथ ही में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके डिटेल एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, और पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, जिसको भी ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या इस पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेड ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं और उनके हेडक्वार्टर्स दिए हैं, देखना ही कौन सा करेक्ट है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रिया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम इटली में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बीजिंग चाइना में है। तो देखिए, फर्स्ट जो ओपेक है इसका सही है, ये वियना ऑस्ट्रिया में है। फाओ का है रोम इटली, ये भी सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बीजिंग गलत है, चाइना में नहीं है, ये फिलीपींस में है। तो 1 एंड 2 सही आंसर है ए। गटका क्या है? ये हरियाणा का फोक डांस है। ये सिख से रिलेटेड मार्शल आर्ट्स है। और मणिपुर का ये फोक डांस है या एक ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है गोरखास का। तो दोस्तों, ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है सिख का, तो आंसर है बी। पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है वो कौन सी दो नदियों को इंटरलिंक करेगी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आंसर है गोदावरी एंड कृष्णा, 1 एंड 2। इनमें से कौन से राज्यों में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, यानी कि काउंसिल्स हैं और असेंबली दोनों हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, इन चारों ही राज्यों में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, आंसर है डी। और बाकी के कौन से राज्य जहां पे है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गंगा नदी के संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसको स्टार्टिंग में जब ये निकलती है तो उसको भागीरथी बोलते हैं, और जब ये देवप्रयाग में भागीरथी से और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और उसके बाद ये गंगा कहा जाती है। तो देखिए, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। इनमें से देखने की कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है? सन टेम्पल कोणार्क, ताजमहल आगरा, जंतर मंतर दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। तो देखने देखिए दोस्तों, सन टेंपल कोणार्क है, ताजमहल भी है, जंतर मंतर नहीं है, फतेहपुर सीकरी भी है, तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। आंसर है सी। स्टेटमेंट देखने की कौन सा करेक्ट है? आर्टिकल 358 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर दी गई है पार्लियामेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक जो होते हैं, वो केवल लोकसभा में ही उनका शुरुआत हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि आर्टिकल 358 नहीं, आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट प्रोसीजर बताई गई है, और ये दोनों ही सदन के किसी भी सदन में ये शुरू हो सकते हैं। इससे सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर है डी। हमारे प्रीएम्बल में ये वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये JLEF, तो 1, 2, 3 एंड 4, आंसर है सी। देखने कौन सा करेक्टली मैच्ड है? हेमिस मोनेस्ट्री सिक्किम, फुक्तल मोनेस्ट्री जस्कर, ताबो मोनेस्ट्री सिपती। तो करेक्टली है, देखिए जो हेमिस मोनेस्ट्री है वो सिक्किम में नहीं, लद्दाख में है, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया, सेकंड सही है, थर्ड सही है, आंसर है बी, 2 एंड 3। किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी गई है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 40, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 42? आंसर है 44। इनमें से किस राजा ने
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी थी? धर्मपाल, भोज, ध्रुव या देवपाल? आंसर है धर्मपाल। आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट्स दिए हैं और किसने बनाए हैं? देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पंचमहल अकबर, अदीना मस्जिद सिकंदर शाह, आमेर फोर्ट, राजा मान सिंह वन, गोलकुंडा फोर्ट, कुतुब शाही डायनेस्टी। दोस्तों ये चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं और उनसे रिलेटेड जो पर्सन है वो दिए, और देखना है कि इनका हमें मैच करना है। आर्य समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज, डॉक्टर आत्मारा पांडुरंग, तत्व बोधिनी सभा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर है, देखिए आर्य समाज है, स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्मारा पांडुरंग, और ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, तत्व बोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर है बी। इनमें से किसके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है? इंडिका बाय मेगस्थनीस, मुद्र राक्षसा बाय भद्रबाहु। तो इन दोनों ही के थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है, तो इसलिए दोनों ही सही आंसर है, बोथ ऑफ देम। देखने कौन सा पेयर्स इनकरेक्टली मैच्ड है। रॉयतवारी ग्रुप ऑफ विलेजेस थे जिनको अलाउ किया था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। जमींदारी सिस्टम में फिक्स्ड रेवेन्यू फिक्स्ड कर दिया था। महलवारी में जो फार्मर्स थे डायरेक्टली उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि रॉयतवारी सिस्टम में इंडिविजुअल फार्मर्स को ओनर बनाया था लैंड का और उनसे टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, और महलवारी सिस्टम में ग्रुप ऑफ विलेजेस से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा गलत है, सेकंड सही है, आंसर है बी, टू ओनली। कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था उसके संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो स्प्लिट हुआ था वो सूरत सेशन में हुआ था 1907 में। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, जो उसके रीजंस जो थे कि क्यों हुआ था, उसमें रीजन स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट था। कांग्रेस वापस यूनाइट हुई थी लखनऊ पैक्ट के अंदर, लखनऊ पैक्ट जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में साइन किया गया था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, 1907 में स्प्लिट हुआ था सूरत सेशन में। सेकंड स्टेटमेंट भी बॉय जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है ये रीजंस थे इसके स्प्लिट के, तो सेकंड भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि लखनऊ सेशन में 1916 में कांग्रेस यूनाइट तो हुई थी, बट लखनऊ पैक्ट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में साइन नहीं हुआ था। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था, इसलिए थर्ड गलत है, आंसर है वन एंड टू। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संदर्भ में देखने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मद्रास में फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू किया था। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है। स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो मद्रास में शुरू किया गया था वो कॉर्नवालिस ने नहीं, ये किसने किया था कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है, आंसर है ओनली वन। अशोका के संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था आफ्टर कलिंगा वॉर, और इन इनके अंदर इन इनकी लीडरशिप के अंदर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो देखिए पहला सही है, कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, फर्स्ट सही है। सेकंड गलत है, क्योंकि अशोका के टाइम में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ना कि सेकंड। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर है वन ओनली। ईश्वर चंद विद्यासागर के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। संस्कृत कॉलेज उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी खोल दिए थे, नॉन ब्राह्मण्स को भी अलाउड था कि वो संस्कृत कॉलेज में पढ़ सकते हैं, जहाँ के वे प्रिंसिपल थे, हेड थे। इन्होंने विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया था। इन्होंने वेस्टर्न थॉट और वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो देखिए पहले दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विद्यासागर जो थे वो कभी भी वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न थॉट के अगेंस्ट नहीं थे, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड सही आंसर है बी।
कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूवी बी रेडिएशंस जो होती है वो शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, सही है। तो अगर यूवी रेडिएशंस जो होती है, यूवी बी जो रेडिएशंस होती है, अगर ज़्यादा ज़्यादा उनका हम एक्सपोजर मिले तो उसकी वजह से हमारा कॉर्निया और म्यूटेशन, कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन और म्यूटेशन हो सकता है। तो देखिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर है बोथ। एसिड रेन के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स की वजह से एसिड रेन होता है। एसिड रेन की वजह से मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज होते हैं। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नॉक्स एंड सॉक्स की वजह से होता है एसिड रेन, इसके मेन गैसेस हैं, मेन रीजंस हैं। और जो एसिड रेन है ये मॉन्यूमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है ताजमहल, ठीक है। ताजमहल काफ़ी हद तक इफेक्ट हुआ है, डैमेज हुआ है एसिड रेन की वजह से। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है बोथ आर करेक्ट। नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट था वो कौन से लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेसिडरी पावर? तो फॉरेस्ट को 1976 में स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया था, आंसर है सी। ब्लैक कार्बन के संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये फॉर्म होता है आउट ऑफ द कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसकी आयु जो होती है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन ही इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से एक सूट टाइप फॉर्म होता है जिसको ब्लैक कार्बन कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है ये कुछ 7 दिन, अराउंड 10 दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक रहता है, इसलिए इसकी आयु कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर में कम होती है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर है बोथ आर इनकरेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रेफरेंस में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आर्टिकल 51 के अंदर कवर होते हैं। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये 51A के अंदर है, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड में हमारे टोटल 10 नहीं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो सेकंड गलत है। थर्ड हमारा सही है, आंसर है 3 ओनली। इनमें से कौन से डिवाइसेस जो हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज़ नहीं होती है? इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसिट। तो देखिए ये जो तीनों ही है, ये तीनों ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ही पार्ट्स हैं, इसलिए हमें नॉट यहाँ पे पूछा था, तो इसीलिए नन ऑफ द अबव हो गया, क्योंकि आंसर्स है कि तीनों ही सही हैं। चीफ मिनिस्टर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किसके होता है? नीति आयोग के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल्स के, इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यों के मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के, आंसर है सी। आर्टिकल 368 के अंदर जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रोसेस दी हुई है। तो उसमें बहुमत के साथ टू नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स, ये किस किस में यूज़ होता है? सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन से अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो, या लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट में उसका अबॉलिशन करना है तो, 7th शेड्यूल से रिलेटेड, या स्टेट या जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का पार्लियामेंट में उससे, यानी कि राज्यसभा से। तो देखिए इसमें फर्स्ट है, 7th शेड्यूल है एंड रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स है। सेकंड नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, उसका अमेंडमेंट ज़रूरत नहीं होती है। तो 1, 3 एंड 4 आंसर है सी। किसके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के वो नए बेंचेस क्रिएट कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या पार्लियामेंट? आंसर है सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमें इसे मैच करना है प्रोविजंस को, एंटी डिफेक्शन लॉ आर्टिकल 280, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 10th शेड्यूल, फाइनेंशियल बिल्स आर्टिकल 75, फाइनेंशियल कमीशन
आर्टिकल 117। तो एंटी डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल, आंसर है ए 2। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75(3), फाइनेंशियल बिल्स आर्टिकल 117, फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280, आंसर है बी। देख रहे हैं कौन सा करेक्ट है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है उसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस पर्सन होता है और बाकी 3 अदर मेंबर्स होते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है ये एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन संवैधानिक निकाय नहीं है। सेकंड सही है, आंसर है 2 ओनली। ऋग्वेदा के संबंध में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद हैं, इनको अराउंड 3500 ईयर्स अगो कंपोज किया गया था। इनमें कुछ थाउजेंड्स अराउंड हाइम्स हैं जिनको हम बोलते हैं सुक्ता, ठीक है। और ये हाइम्स जो हैं ये गॉड्स और गॉडेसेस डिफरेंट जैसे इंद्र थे, वरुण थे, इनको प्रेस करने के लिए लिखे गए हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर है बी, सॉरी आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। चोला इंस्क्रिप्शंस के अगर हम देखें तो उसे वेत्ती और कदमाई जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इसका मतलब क्या है। ये ऑफिसर्स थे उनके टाइम के, या ये आर्टिस्ट थे, या कुछ टाइप के टैक्सेस थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये काइंड ऑफ टैक्सेस थे, आंसर है सी। बॉडीज जो सन के आसपास रिवॉल्व करती है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में सन के अराउंड जो चीज़ रिवॉल्व करती है उसको हम क्या बोलते हैं। मेटेरॉइड्स मेटेराइट्स एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स। आंसर है सी, एस्टेरॉइड्स। तो दोस्तों अगर मैं ये जो क्वेश्चंस बोलती हूँ साथ साथ में आप अपने उसमें भी नोट कर सकते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको बीच में कुछ सेकंड्स मिनट्स का टाइम दूंगी जिसमें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं आगे। देखने ही कौन सा करेक्टली मैच्ड है। स्पीशीज दी है और टाइप ऑफ वेजिटेशन दी है कि कहाँ पर होता है। चीर होता है थॉर्नी बुशेस फॉरेस्ट में, बाबुल ट्रॉपिकल डेसिडियस में, सुंदरी मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो इसका आंसर है डी ओनली, दैट इज 3 ओनली। बाकी जो चीर और बाबुल है हमने ये क्वेश्चंस काफ़ी बार डिस्कस कर लिए हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सेम डायरेक्शन में रोटेट और रिवॉल्व नहीं करता है, वीनस अर्थ जुपिटर या मार्स। आंसर है वीनस। इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सुंदरबंस, लक्षद्वीप, वेस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न घाट्स। आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स 1 और 4। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा है जो हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन से नहीं मिला है। स्टोन वेट्स, स्टील सील्स एंड ज्वेलरी। तो ये सभी हमें हरप्पन सिविलाइजेशन से मिला है, तो आंसर है डी ऑल वर फाउंड। पेंटेड ग्रे वेयर पोटरी जो है वो कौन से कल्चर से रिलेटेड है। मौर्यन एज, मिडिल या लेटर वैदिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, लेटर वैदिक पीरियड। ब्रह्मो मिसाइल के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये हम इसको लैंड और सबमरीन्स कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको लैंड सबमरीन्स कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड थर्ड जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये सिंगल स्टेज नहीं, ये डबल स्टेज टू स्टेज मिसाइल है। फर्स्ट है इसका सॉलिड है, सेकंड जो है वो उसका रैमजेट लिक्विड प्रोपेलेंट है, तो इसलिए थर्ड गलत है। आंसर है 1 एंड 2 ओनली। ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? सोलर पैनल्स, गैस हाइड्रेट्स, बैम्बू, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है बैम्बू। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनमें से कौन से रीजंस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के? रॉलेट एक्ट, पंजाब रॉन्ग्स मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1919 में, या खिलाफत रॉन्ग्स? आंसर है डी, ऑल वर द रीजंस। रॉक कट एलिफेंट जो है धौली में वो किसके टाइम में, किसके रेन में, किसके शासन में बनाया गया था? समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त वन, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है डी, नन ऑफ देम। तो ये किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में है वो अकबर किस लिए यूज़ करता था? लेजर टाइम, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए, ये रिलीजियस मैटर्स को वो डिस्कस करता था रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ उसके लिए, या इसमें से कोई नहीं? तो जब वो अपने रिलीजियस मैटर्स डिस्कस करता था रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए तो वो करता था इबादत खाना में, तो आंसर है सी। इनमें से कौन से ओजोन डिप्लीटर्स हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स? तो इसमें से सभी हैं छोड़ के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, बाकी तीनों हैं, तो आंसर है 1, 3 एंड 4। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से इसका कौन सा मेंबर नहीं है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एंड मलेशिया? तो मलेशिया इसका मेंबर नहीं है, आंसर है डी। इसके कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन परमानेंट मेंबर नहीं है? रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा? तो देखिए दोस्तों, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें से रशिया इसका मेंबर है और फ्रांस है, बाकी के 3 जो हैं वो एक चाइना है एंड एक यूनाइटेड किंगडम है एंड US है। ठीक है, तो इसमें कौन से नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है एंड 5 नहीं है, आंसर है सी। इनमें से कौन सी बॉडीज़ है जो रिजॉल्व होती है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? तो देखिए, जो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ये परमानेंट बॉडीज़ है, ये डिसॉल्व नहीं होती, कंटिन्यू रहती हैं। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, तो आंसर है 1 एंड 3। इनमें से कौन सा है जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है प्लांट्स के लिए? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, जिंक एंड क्लोरीन? तो नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड सल्फर जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आंसर है 1, 2 एंड 4। इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में 8th सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है, कर्क रेखा इंडिया के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला सही है कि 7 कंट्रीज़ के साथ सीमा साझा करता है,
सेकंड गलत है कि इंडिया 8th नहीं 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th हमारा सेकंड गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 9 स्टेट्स नहीं 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है, तो थर्ड भी गलत है। तो पूछे कौन सा इनकरेक्ट है सेकंड एंड थर्ड। सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज़ है। कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आंसर है ए। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है? ये एक जोन है जहाँ पे सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। ये जोन है जहाँ पे ट्रेड विंड्स एमर्ज होती हैं, या एक ट्रफ है जहाँ पे लो प्रेशर ट्रफ है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में, इनमें से कोई नहीं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये लो प्रेशर ट्रफ है, ये कहाँ पे? इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में। तो आंसर है सी। इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप्स है? कॉटन, ग्राउंडनट, राइस एंड वीट। तो जो वीट है ये राबी क्रॉप है, इसको छोड़ के तीनों जो हैं खरीफ क्रॉप से। तो आंसर है 1, 2 एंड 3। इनमें से कौन सी कंट्री है जो सार्क की मेंबर है? इंडिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो म्यांमार को छोड़ के तीनों ही है, 1, 2 एंड 4। आंसर है सी। लाइट ईयर जो है वो हम उस उसको हम उससे हम क्या मेजर करते हैं? इट इज़ अ यूनिट टू मेजर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड या नन। आंसर है बी, डिस्टेंस। इन्फ्लेशन के संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है, इन्फ्लेशन के उस कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इन्फ्लेशन के टाइम में जो बोरोवर्स होते हैं वो इन्फ्लेशन से उनको काफ़ी बेनिफिट होता है, टैक्स पेयर्स जो होते हैं वो इन्फ्लेशन के टाइम में काफ़ी सफ़र करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। बोरोवर्स जो है वो इन्फ्लेशन के टाइम में उनको बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट से कि दे सफ़र, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछे इनकरेक्ट, फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकंड इज़ राइट। तो आंसर है फर्स्ट ओनली। इनमें से कौन सी रिवर्स है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? लूनी, दामोदर, तापी, बेतवा। दामोदर एंड तापी प्लस नर्मदा जो है ये तीन नदियां जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। तो आंसर है 2 एंड 3। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसको पल्यूटेंट नहीं माना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड लिड। आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, आइलैंड जिला कौन से स्टेट में है? तेलंगाना, केरला, असम, मेघालय। आंसर है सी, असम। ये कौन सा है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम बताइए इसका। अब हमें इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया था। इनका रेंज सैयद, खलजी, तुगलक एंड लोदी। तो पहले आए थे तुगलक, फिर खिलजी, 3-2, फिर 1 एंड 4, फिर सैयद एंड लोदी सबसे लास्ट में। तो आंसर है सी। सत्यमेव जयते कौन से, जो हमारे इंडिया के एम्बलेम में सत्यमेव जयते है मोटो, वो कहाँ से लिया गया है? काठ उपनिषद, चंदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो डी है, नन ऑफ देम। ये किस में से लिया गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैच करना है हमें हेबेस कॉर्पस अगेंस्ट द अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन, मैंडमस अगेंस्ट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, क्यो वॉरंटो अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, सर्चरी अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। तो हैबिस कॉर्पस है, लॉफुल अनलॉफुल डिटेंशन एंड अरेस्ट है, तो ए का 1 है। मैंडमस अगेंस्ट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी है,
सी का क्यो वारंटो का अगेंस्ट द वायलेशन नेचुरल जस्टिस इन, फोर का एक्सरसाइज ऑफ पावर विदाउट जुरिसडिक्शन, आंसर है ए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हार्ट एंड सोल बोला था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? आर्टिकल 32 दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला था, आंसर है डी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ये टोटल वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक कंट्री में सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं, या ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है एक कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं बाय द रेजिडेंट्स। तो रेजिडेंट्स में सारी आ गए, चाहे वो फॉरेनर्स हो या इंडियन रेजिडेंट्स हो, और या तो ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है जो इंडिया के बाहर इंडियन सिटीजन्स प्रोड्यूस करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका, ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो विद इन द कंट्री प्रोड्यूस होते हैं बाय द रेजिडेंट्स, तो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आंसर है बी। 12th 5-year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं है। 12th 5-year प्लान का एम क्या था ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और जिसको भी हमारे एक्सप्लेनेशंस चाहिए, डिटेल एनालिसिस चाहिए, वो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें इनको देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ देश दिए गए, एक तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज दी है, इंडिया बांग्लादेश संप्रीति, इंडिया चाइना मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका हैंड इन हैंड। तो देखिए इसमें सेकंड जो है इंडिया चाइना, ये गलत है, एंड थर्ड भी गलत है। फर्स्ट सही है, आंसर है ओनली वन। इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड है, इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति है। देखने की कौन सा करेक्टली मैच्ड है। विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज़ होती है? विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होती है, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंड ब्लाइंडनेस होती है। तीनों ही सही है, आंसर है सी, 1, 2 एंड 3। देखने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। साइक्लोन्स जो होते हैं उनका आई जो होता है वो लो प्रेशर होता है, और एंटी साइक्लोन्स में हाई प्रेशर होता है, मतलब उनका जो सेंटर पॉइंट होता है। एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो नदन हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। साइक्लोन्स का जो आई होता है मतलब सेंटर होता है वो लो प्रेशर का होता है, इसका उल्टा एंटी साइक्लोन्स हो गया। एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो नदन हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और साइक्लोन्स जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो दोनों ही सही है, आंसर है सी। कॉटन का मैं पहला एविडेंस कौन से सिटी से मिला? मेहरगढ़, मोहनजोदारो, आलमगीरपुर, ये धोलावीरा, आंसर है ए, मेहरगढ़। अशोका के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है जिसमें धम्मा की पॉलिसी एलेबरेट की गई है, वो कौन से मेजर एडिक्ट्स हैं? 11, 6, 10 या 11, 11, 10 या 3, 11, आंसर है 11th एंड 6th। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में भोजक जो शब्द है उसका मतलब क्या था? रेवेन्यू ऑफिशियल, विलेज हेडमैन, वेल्दी मर्चेंट या मिलिट्री ऑफिशियल? तो उस टाइम में जो जो विलेज का हेड होता था उसको भोजक बोलते थे, तो आंसर है बी, विलेज हेडमैन। इसमें देखना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। व्याकरण, ग्रामर, शिक्षा, फोनेटिक्स, निरुक्त, रिचुअल, छंद, मैट्रिक्स, आंसर है सी, निरुक्त, रिचुअल। सारनाथ में जो लायन कैपिटल है ये क्या, किस गौतम बुद्ध के किस लाइफ इवेंट को सिंबलाइज करता है? महाभिनिष्करम, अष्टांग मार्ग, धर्मचक्र प्रवर्तन या परिनिर्वाण? आंसर है सी, धर्मचक्र प्रवर्तन। इनमें से ग्लेशियर्स की कौन सी इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, मतलब ग्लेशियर्स की वजह से जो इरोजन्स होते हैं उससे कौन से लैंडफॉर्म्स बनती है? सिरक, ड्रमलिन, मोरेन्स, हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिजेस या एस्कर्स?
तो देखिए, जो वन इन फोसेरिक एंड मोरे हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेज है, ये इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, मतलब जब ग्लेशियर के जैसे इरोजन्स होते हैं तो उसके जैसे जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं वो हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, वो है 1 एंड 4। बाकी के जो 3 है 2 3 एंड 5 वो इसके डिपोजिशनल, जब ये डिपॉजिट करता है जहाँ जहाँ पे, तो वो डिपोजिशनल जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं उनको हम ड्रमलिंस, बोरेंस एंड एस्कर्स बोलते हैं। तो आंसर 1 एंड 4। इसमें देखना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड रिवर्स है, उनका वैदिक टाइम में उनका नाम क्या था। शुतुद्री सतलज, नदीतरण सरस्वती, परुषनी चेनाब, वितस्ता झेलम। देखना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो परुषनी जो है ये गलत है, परुषनी चेनाब नहीं, रावी को बोला जाता था। तो आंसर है सी। इनमें से कौन सा सी है जिसमें सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, रेड सी, डेड सी, बाल्टिक सी या कैस्पियन सी। आंसर है बी, डेड सी। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने में यूज़ किया जाता है, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, मरकरी बैरोमीटर या एनेरॉइड बैरोमीटर। आंसर है बी, हाइग्रोमीटर। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से होता है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सी वाटर एब्जॉर्व करता है, या इंफ्रारेड रेडिएशंस कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्व करती हैं, या इन्फ्रा रेडिएशंस जो होती हैं वो आइस कैप्स एब्जॉर्व करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इन्फ्रा रेडिएशंस होती हैं, आउटगोइंग रेडिएशंस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसलिए आंसर है बी। इनमें से कौन से प्लेसेस है जहाँ पे ह्यूएन सियांग ने 1880 फीट टॉल एक कॉपर इमेज देखा था बुद्धा का, बोधगया, नालंदा, विक्रमशिला या इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, नालंदा। इनमें से कौन सा एक टाइप का प्रेसिपिटेशन या वर्षा का रूप नहीं है, हेल, फॉग, स्नोफॉल या रेनफॉल। आंसर है बी, फॉग। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, अंबाला, करनाल, पानीपत या इनमें से कहीं नहीं। आंसर है करनाल। हरियाणा के किस जिले में बटखाल लेक है, हिसार, कैथल, रोहतक या फरीदाबाद। आंसर है डी, फरीदाबाद। भिवानी टेक्सटाइल मिल हरियाणा में कब स्टैब्लिश करी गई थी, 2000 में, 1948 में, 1937 में या 1957 में। आंसर है 1937। किस वर्ष में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट एग्जिस्टेंस में आए, 1950, 1960, 1955 या 1966। आंसर है डी, 1966। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का, कौन सा ज़िला जो लीस्ट पॉपुलस है, यमुनानगर, पंचकुला, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र। आंसर है बी, पंचकुला। हरियाणा का स्टेट बर्ड कौन सा है, क्रो, स्वान, ब्लैक फ्रेनकॉलिन या आउल। आंसर है सी, ब्लैक फ्रेनकॉलिन। इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के नॉर्थ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल प्रदेश।
आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, हिसार, जिंद, रोहतक या यमुनानगर? आंसर है डी यमुनानगर। हरियाणा के बफेलो की कौन सी ब्रीड जो बहुत ज्यादा फेमस है पूरे देश में, तुर्रा, चेसा, पुष्प या मुर्रा? आंसर है डी मुर्रा। हरियाणा के किस प्लेस में थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हिसार, फरीदाबाद, जिंद या कैथल? आंसर है बी फरीदाबाद। हरियाणा में पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे आने वाला है, कैथल, रोहतक, भिवानी या फरीदाबाद? आंसर है ए करनाल। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में बिल्कुल भी टाइप का हिंसा नहीं हुई थी, और यहाँ पे ये गांधी गांधीयन मूवमेंट का सबसे छोटा मूवमेंट था, मतलब इसके कंपैरिजन में जो दूसरे मूवमेंट हुए थे काफ़ी लंबे थे। यहाँ पे अगस्त, इससे रिलेटेड अगस्त रेवोल्यूशन हुआ था। यहाँ पे स्लोगन फेमस किया गया था डू और डाई। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, इट इज़ इनकरेक्ट, कि यहाँ पे बोला गया कि उस टाइम में बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई थी। ये ऐसा बोला गया था, गांधी ने बोला था कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हुई थी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आंसर है ए। सूर्यसेन किस चीज़ से रिलेटेड है, गदर मूवमेंट, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, चित्तगोंग आर्मरी रेड या इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी चित्तगोंग आर्मरी रेड। इनमें से कौन सा यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूडेड है, कोडियट्टम, रामलीला, रम्मन, कथकली, योगा? तो देखिए दोस्तों, कथकली को छोड़ के बाकी सारे ही इसमें इंक्लूडेड है, 1, 2, 3 एंड 5। आंसर है सी योगा, जो है वो रिसेंटली इसमें इंक्लूड किया गया था, तो आंसर है सी। इसमें हमें मैच करना है न्यूज़पेपर्स दिए, उनके फाउंडर दिए हैं रस्त गुफ्तार, मदन मोहन मालवीय, अल हिलाल, दादा भाई नरोजी, मिरात उल अकबर, राजा राम मोहन राय लीडर, अबुल कलाम आज़ाद? तो रस्त गुफ्तार, दादा भाई नरोजी A2, मिरात उल अकबर, राजा राम मोहन राय C3। तो आंसर इसका बी A2। बी का अल हिलाल है, अबुल कलाम आज़ाद, लीडर मदन मोहन मालवीय। इनको मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, बैटल ऑफ लासे, बैटल ऑफ बंदीवश? तो देखिए सबसे पहले आता है इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, अराउंड 1739 के आसपास हुआ था। फिर है बैटल ऑफ प्लासे, आता है 1757 के आसपास बैटल प्लासे आ गया, तो 2, 3। फिर आया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले बैटल ऑफ बंदीवश, अराउंड 1760 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो हो गया 2, 3, 4 एंड 1। आंसर है सी एंड बैटल ऑफ पानीपत 1761। इनमें से देखने कौन सा इनकरेक्ट है, राजबिहारी घोष जो थे वो INC के प्रेसिडेंट थे जब सूरत स्प्लिट हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम में प्रेसिडेंट INC के जवाहरलाल नेहरू थे, लखनऊ सेशन 1916 में जो हुआ था उस टाइम में AC मजूमदार थे, सुभाष चंद्र बोस INC के प्रेसिडेंट है 1938 के सेशन में? तो देखिए दोस्तों, उसमें से जो बी है स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट नहीं थे जब इंडियन इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम में INC का कौन प्रेसिडेंट था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
दिल्ली दरबार 1911 में जो हुआ था उससे रिलेटेड कौन सा क्या क्या वहाँ पर अनाउंसमेंट्स हुआ था? एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का पार्टीशन, बंगाल का विभाजन को ख़त्म कर दिया गया था। कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र की गई थी। तो दोनों ही अनाउंसमेंट्स हुए थे, दोनों ही सही है, आंसर है बोथ। इसमें सिविल रेबेलियंस और ट्राइबल अपराइजिंग्स है और ये कहाँ कहाँ पे हुई थी देखना है, और कौन सा इनकरेक्ट है ये देखना है। कूका रिवोल्ट हुआ था वेस्टर्न पंजाब में, एका मूवमेंट हुआ था उत्तर प्रदेश में, तिभागा मूवमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और फैरजी रिवोल्ट हुआ था ईस्टर्न बंगाल में। तो दोस्तों इसमें जो थर्ड है वो गलत है। तिभागा मूवमेंट जो था वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नहीं, वो नॉर्थ बंगाल में हुआ था, इसीलिए हमारा सी जो है ये गलत है। देखना ही कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, गायकवाड़ सतारा, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर। तो इसका आंसर है ए, गायकवाड़ जो थे वो सतारा में नहीं, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट शुरू किया था बड़ौदा में, और बाकी के तीनों सही हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 100 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस पेड ग्रुप का ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं फिर से आऊँगी ऐसे 100 क्वेश्चंस के लिए जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।